आज अपन चर्चा करेंगे सौरमंडल के सदस्य में तीसरा ग्रह आता पृथ्वी, जिस पर हमारा निवास पृथ्वी की आकृति गोलाकार तथा अपनी कीली पर घूमती है। कीली पर घूमने के कारण ही दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट होती है। इसका औसत घनत्व 5.5 mm, व्यास 12,740 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 1,48,800 किलोमीटर है। पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, जिसकी वजह से जीवन जगत रहने योग्य हुआ है। पृथ्वी का वातावरण इसके चारों ओर 25,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह, इनके मध्य दूरी 384,402 किलोमीटर है। चौथा ग्रह था मंगल, मार्स। मंगल पृथ्वी के पास का दूसरा ग्रह है। यही एक ग्रह है जिस पर जीव की सभी विद्वानों ने संभावना जताई है। इसका औसत घनत्व 38 तथा व्यास 6,750 किलोमीटर है। गुरुत्व 0.4 है। मंगल अपनी कीली पर 24 घंटे 37 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है, जो इसके दिन की अवधि है। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह 627 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है। सूर्य से मंगल 226,720,000 किलोमीटर दूरी पर है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल पृथ्वी से 7.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ठंडा, ऑक्सीजन रहित, पतली वायुमंडलीय परत युक्त है। कहीं कहीं पर जल पाए जाने के संकेत है। इस ग्रह का औसत वार्षिक तापक्रम -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। बादल बनते हैं किंतु वर्षा कम करते हैं। मंगल में चुंबकत्व पृथ्वी का 1/3000 भाग ही है तथा इसका धरातल चंद्रमा के धरातल से मिलता जुलता है। पांचवा नेक्स्ट ग्रह आता है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। इसे पृथ्वी तल से दूरदर्शक यंत्र की सहायता से देखने पर सौरमंडल में ये दूसरा तथा आकाशगंगा में चौथा सबसे अधिक चमकीला ग्रह दिखाई देता है। सूर्य से बृहस्पति 37,30,00,000 किलोमीटर दूर है और सूर्य के करीब 12 वर्ष में पूरा चक्कर लगा लेता है। इसके 12 उपग्रह हैं। इनमें से गानीमेड और कैलिस्टो का आकार बुध ग्रह के बराबर है। आईओ तथा यूरोपा का आकार चंद्रमा के बराबर है। इनके भारी चार ग्रह इनकी परिभ्रमण दिशा के प्रतिकूल तथा शेष अनुकूल दिशा में चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पर प्रतिदिन 10 घंटे में एक बार घूम लेता है, जिससे दिन रात बनते हैं। सौरमंडल में यह सबसे छोटा दिन होता है। बृहस्पति का व्यास विषुवत रेखा पर 1,43,000 किलोमीटर तथा ध्रुवीय प्रदेशों में केवल 1,24,000 किलोमीटर ही है। इसका गुरुत्व पृथ्वी से 2.36 गुना अधिक है। इसका भार पृथ्वी से 318 गुना अधिक है और आयतन पृथ्वी से 1000 गुना है। वैज्ञानिकों के मतानुसार इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पृथ्वी के अनुपात में बृहस्पति का आकार और सूर्य से दूरी काफ़ी अधिक है। सूर्यमंडल में के 9 ग्रहों में अभी प्राप्त जानकारी के आधार पर पृथ्वी और बृहस्पति में ही चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 20 गुना अधिक शक्तिशाली है। ओके।